अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनसिस वर्क बेंच को, और स्ट्रक्चर एनालिसिस भी हम करेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम का। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एनसिस वर्क बेंच है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कॉम्पोनेंट सिस्टम है, एनालिसिस सिस्टम है और कस्टम सिस्टम्स भी आपके पास, डिज़ाइन एक्सप्लोरेशन भी है, डिफरेंट तरह की आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। एनालिसिस सिस्टम में क्या है कि आपके पास जिस तरह ये देख सकते हैं ये फ्लूएंट है, ये जो हम CFD में कर चुके हैं, ये आपके पास स्टैटिक स्ट्रक्चरल है जो अभी हम करेंगे, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है पूरा एक। और कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, यही सिस्टम्स होते हैं बस ये अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूएंट है, यहाँ पे सेटअप फ्लूएंट ही है लेकिन फ्लूएंट अलग से नज़र आएगा आपको। ज्योमेट्री है, ICM CFD क्या है, इसके अंदर मैशिंग होती है, ये अलग से आपके पास है। मैकेनिकल मॉडल है, ये बेसिकली ये वाला मॉडल है। मैश है, मैश ये वाला मैश, तो ये आपके पास अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ब्रेक फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर ये सब एक ही फॉर्म में होते हैं। तो प्रेफर यही होता है कि आप इसी फॉर्म में चलें, बकायदा आप कॉम्पोनेंट सिस्टम में उसको लेके चलें तो आपके पास काफ़ी मसला होता है। दूसरी चीज़ जो आप चीज़ देखते हैं डिज़ाइन एक्सप्लोरेशन के अंदर, आपके पास काफ़ी तरह की, ज़्यादातर इसमें पैरामीटर और डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। अभी हम जो बेसिकली स्टैटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक फ्लूएंट एनालिसिस है, आपने एक ज्योमेट्री बनाई, फ्लूएंट में बनाई, CFD में बनाई, आप वो उसी का स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, ज्योमेट्री को यहाँ पे शेयर कर लेते हैं इसके साथ, तो वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इसके साथ शेयर हो जाती है। बाकी अगर वो सेटअप हुआ हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप अभी बेशक डिलीट कर दें। अब हम इसके ऊपर वाले टूल्स को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये सेव है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेव करना है उसके नाम से होगा। इंपोर्ट आर्काइव, रिस्टोर आर्काइव। आर्काइव क्या है कि आपके पास एक पूरी zip RAR फाइल में जनरेट हो जाएगी, तो इजीली ओपन होती है वो, उसमें कोई मसला नहीं होता। व्यू में आप अगर रीसेट कर सकते हैं वर्कस्पेस को, फाइल्स बता सकते हैं फाइल्स कहाँ पे आपके पास स्टोर हैं, ठीक है। टूल्स यूनिट्स SI रख लें आप, आपकी मर्ज़ी है, आप मेट्रिक रखें, SI जो भी आपने यूनिट यूज़ करने, वो सब एक ही जगह में यूज़ करने होंगे, ठीक है, मैश में भी हर जगह। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग डाटा की, फिर बारी बारी में ज्योमेट्री को भी डिस्कस करूँगा, मैश को भी, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैश के ऊपर एक डिटेल लेक्चर होगा, आज मैश को मैं एक जेनेरिक तौर पर, एक सिंपल तौर पर जो मैश करेंगे, लेकिन मैश के ऊपर डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह होगा। इंजीनियरिंग डाटा के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं किसी एक मटेरियल के लिए, डाटा स्ट्रक्चर स्टेट। इंजीनियरिंग डाटा क्या है, बेसिकली जो भी आप मॉडल बना रहे हो वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब स्ट्रक्चरल स्टील का बना हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, आपको उसके पैरामीटर्स चाहिए होंगे, तो इसके अंदर बिल्ट इन एनसिस के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं नीचे डेंसिटी इसका, आइसोट्रॉपिक इलास्टिसिटी वगैरह, डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स आपको दिए हैं। फटीग एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें ये मीन स्ट्रेस और ये लाइफ पैरामीटर्स वगैरह चाहिए होंगे। स्टैटिक स्ट्रक्चर के लिए आपको ये टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव, अल्टीमेट, ये काफ़ी हो जाते हैं। कंप्रेसिव में अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है काफ़ी मटेरियल्स जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो कंप्रेसिव में फेल नहीं होते, टेंसाइल में फेल होते हैं। अगर आप चाहते हैं आप स्टील ना यूज़ करें, कोई और मटेरियल यूज़ करें, आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड करके नया मटेरियल अपनी तरफ से ढूंढ के आप उसको, एक वेबसाइट है मैट वेब, ठीक है, मटेरियल वेब, वहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आप वो प्रॉपर्टीज इसमें डाल दें। दूसरा ये है कि आप इंजीनियरिंग डाटा सोर्स में जाएँ, इंजीनियरिंग डाटा सोर्स में जाके आप, ये आपके पास इंजीनियरिंग डाटा है और इसमें आपको ये स्टील की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली ये और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, आप उसको ड्रैग करेंगे और भी नज़र आएंगे, आप चाहते हैं आप वो और मटेरियल यूज़ करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल का नाम निकलें, फॉर एग्ज़ाम्पल ASI लिखे, और यहाँ पर आप डेंसिटी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे के नेट, इंटरनेट से वैल्यूज़ दे के आप यहाँ पे पुट कर दें, ये भी तरीका है। एक तरीका आपके पास
एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप इसके एनसिस के ऊपर बिल्ट इन मटेरियल्स हैं वो यूज़ कर लें। आप जाएँ इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज में, वहाँ पे जनरल मटेरियल्स के अंदर नॉन लीनियर भी हैं आपके पास, ठीक है, जनरल नॉन लीनियर कंटेंट्स ऑफ नॉन लीनियर और एक्सप्लिसिट भी हैं, काफ़ी तरह के जो आपके पास मटेरियल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उनके आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के अभी एक्सप्लिसिट आ जाएंगे। तो आपके पास हर तरह के मटेरियल्स मौजूद हैं, एक्सप्लिसिट हैं, ठीक है। जनरल मटेरियल्स में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम अलॉय है, आप चाहते हैं इसको ऐड करें, आप अभी प्लस का निशान है, इसको आप ऐड करेंगे तो ये इस इंजीनियरिंग डाटा में ऐड हो गया, ठीक है। अब जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर स्टील भी आएगा, एल्युमिनियम अलॉय भी आएगा। एल्युमिनियम अलॉय को क्लिक करेंगे तो देखें उसकी प्रॉपर्टीज आ रही, स्ट्रक्चर स्टील की कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आ रही, ठीक है। ये अब हम जाते हैं ज्योमेट्री की तरफ। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिंपल से सिंपल आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री को आपने डबल क्लिक किया तो डिज़ाइन मॉडलर आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, और आप ही देख सकते हैं ये डिज़ाइन मॉडलर इस तरह आपके पास ओपन हो गया। डिज़ाइन मॉडलर क्या है? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कैटिया है, कैड है, क्रियो है, डिज़ाइन सॉलिड वर्क्स है, इसमें आप एक शेप ज्योमेट्री आप बना सकते हो जो आप जिसका अपने एनालिसिस करना है। आप क्या करते हो, यहाँ पे सिंपल एक ज्योमेट्री बनाऊँगा, एक्स वाई प्लेन लो, और यहाँ पे ये टूल्स आपने याद रखने हैं। ये आपके पास रोटेट का है, ज्योमेट्री को रोटेट करने का, ये पैन का है, ये आपके पास जूम, बॉक्स जूम, जूम टू फिट, ठीक है, और बाकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है लुक एट फेस, फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई प्लेन किया ना, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये देखें, आप प्लेन को इस तरह मूव कर सकते हैं इस ऑप्शन से, और अगर आपने प्लेन को जूम टू फिट कर दें, फॉर एग्जांपल आपने प्लेन को इस तरह दूर कर दिया तो आप जूम टू फिट कर लें, लेकिन अगर अभी हम एक्स वाई प्लेन में ज्योमेट्री बना रहे हैं तो आप लुक एट फेस करें, ठीक है, सिंपल। एक्स वाई प्लेन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्केच का, स्केच में क्लिक करें। अब आप कुछ भी स्केच करना चाहते हैं, यहाँ पर स्केच को क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मॉडलिंग एंड स्केचिंग। स्केचिंग में जाएँ, स्केचिंग में आप सिंपलर बॉडी ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो रेक्टेंगल में मैं ये आपके पास ज्योमेट्री ले रहा हूँ, ठीक है, अभी एक सिंपलर केस है, ठीक है, ये ज्योमेट्री ले ली। ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे आपके पास नीचे आ रहा होगा मॉडिफाई, डायमेंशन में जाएँ, डायमेंशन में जाके जनरल, ठीक है, आप ये डायमेंशन दे सकते, जैसे आप कैटिया में करते थे ये डायमेंशन, आप H2 और V1 यहाँ पे आप बता सकते हैं H2 कितना है। मैं लेट्स से कह देता हूँ ये 40 है, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ 20 है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं, ये डेप्थ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल जो उसके पास है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा डायमेंशन के ऊपर, ये एक बॉक्स है, ये है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, इसको मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, एंड पे एग्जांपल भी बताऊँगा पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है, आपने एक ज्योमेट्री बना दी, एक लेंथ की है, एक विड्थ की है, डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री है। अब आप उस चाहते हो कि उस ज्योमेट्री की फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो 50 मीटर हो जाए, 60 मीटर हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी हाइट भी बढ़ जाए, विड्थ भी बढ़ जाए, तो उससे एनालिसिस में क्या फ़र्क आएगा। उससे एनालिसिस में फ़र्क देखने के लिए, फ़र्क चेक करने के लिए आप पैरामीटर्स बनाते हो। आप बार बार ज्योमेट्री को चेंज नहीं करते, आप बार बार एनालिसिस नहीं करते, बार बार मैश नहीं करते, वो खुद ब खुद ही करता है, एनसिस खुद ही करेगा। आपने बस पैरामीटर डिफाइन करना है। अगर मैं लेंथ और विड्थ को, लेंथ और हाइट को पैरामीटर डिफाइन करूँ, जैसे ये कह रहा है एक्स वाई प्लेन V1, ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें इसका, लेंथ दे देना, ओके, तो ये पैरामीटर डिफाइन हो गया, ठीक है, इसको भी करेंगे, ये भी पैरामीटर डिफाइन। अब जब मैं बाहर जाऊंगा एनसिस में तो आप देखना पैरामीटर ये कैसे डिफाइन हो रहा है। यूनिट्स में आपने ध्यान रखना है यूनिट्स सेम हो। दूसरी चीज़, ये करने के बाद अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अंदर एक सर्कल भी है, आप सर्कल भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्केचिंग में जाएँ, ड्रॉ, स्केचिंग में आपके पास एक सर्कल है, या आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, अगेन इसके अंदर आप में ड्रॉ आ रहा है, ड्रॉ के बाद आपके पास यहाँ पे ओके,
अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको आपने नाम दे दिया, कंट्रोल सी, ओके। तो बेसिकली आपने इसको सबसे पहले इसको डिफाइन कर देना है पैरामीटर। ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज होगी, इसको देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मूव कर गया था, इसको ठीक करना पड़ा। अब आपने सर्कल बनाना है, तो सर्कल के केस में आपने अगेन इसको चेक करना है कि यहाँ पे आप जाएं और सर्कल आपने इधर बनाना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिधर मर्ज़ी बनाएं। और स्केचिंग में जाके आपने अगेन इसको आप डायमेंशंस दे दें, अगेन आप इसकी ठीक है, ये आपको पास बता रहा है कि छोटा सा जो एरो है, तो इसको अगेन आप क्या चीज़ है, इसको आप अगेन पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ 5, ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब इसको पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से पैरामीटर इसको डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये 3D मॉडल बने, इसको आपने एक्सक्रूड करना है। एक्सक्रूड करने के लिए आपने सबसे पहले आप रोटेट करके देख सकते हैं कि ये आपके पास मॉडल बन गया। अभी अगेन बगैर डायमेंशन मैंने आपको बता दिए, ये आपके पास 50 था, ऐसे 40 था और ये आपके पास 20 था। अब आपने एक्सक्रूड करना है इसको, ठीक है, रिवॉल्व भी कर सकते हैं। एक्सक्रूड आपने स्केच को करना है, तो अप्लाई कर दिया, स्केच का नाम आपने स्केच रख दिया। ऐड मटेरियल कुछ भी नहीं करना, डायरेक्शन वगैरह सब फिक्स्ड है। अगर आपने यहाँ पे आप नॉर्मल की जगह बहुत सिमेट्रिक भी कर सकते थे, पीछे और उधर भी कर सकते थे, रिवर्स भी कर सकते थे पीछे की तरफ, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल रख रहा हूँ डायरेक्शन। और डेप्थ जो है वो डिपेंड करता है, आप कहते हैं 5 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 5 मीटर तक कर दिया। तो उसके करने के बाद आपने जनरेट कर देना है। जनरेट किया तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास डोमेन बन गई, ये आपके पास ठीक हो गया। एक चीज़ आप और कर सकते हैं इस केस में, अगर आपको एक और चीज़ है, यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपने पॉइंट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ये पॉइंट सेलेक्टर का ऑप्शन है। अगर आपने एड सेलेक्ट करना है, ये एड सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ये मैश में काफ़ी काम आता है। ये फेस, कोई भी फेस सेलेक्ट करना है, ये फेस सेलेक्ट करना है, ये फ्लेक्स फेस सेलेक्ट करना है, ये पूरी बॉडी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये वाले ऑप्शन रखने हैं। ये कट प्लेन है, कि अगर आप कट करना चाहते हैं किसी भी प्लेन में, ये आपने कट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैश में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये काम। बाकी आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस थे जहाँ पे आपने इसको एनालिसिस पे करना है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर दें, प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद मिनिमाइज़ करके आपके पास आप देख सकते हैं ये पैरामीटर सेट का एक ऑप्शन आ गया, जो हमने पैरामीटर्स बनाए थे। पैरामीटर सेट का क्या ऑप्शन आ रहा है कि अभी आपके पास 40, 20 और 5 जो हमने बताया था, अभी डिज़ाइन पॉइंट 0, अभी आपने इसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया। जब इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर भी एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। प्रोजेक्ट में जाएँ, मॉडल में अब आपने क्लिक करना है, जिसके अंदर सारा काम, इस मॉडल में ही सारा काम होगा, आपको कोई और डिफरेंट चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मॉडल ओपन होता है जब तक, ओके, मॉडल में वो आपकी ज्योमेट्री जो है वो अपडेट करेगा, अपलोड करेगा। ज्योमेट्री होगी, अब आप अगेन इसमें भी कुछ वैसे ही टूल्स हैं जिस तरह ये वाले और शेप वाले, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह आप CFD में डोमेन डिफाइन करते होते थे, इस केस में भी इनलेट आउटलेट डिफाइन करते, इस केस में इतना ज़रूरत नहीं होती इनलेट आउटलेट डिफाइन करने की। लेकिन इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, अगर आपने पास ओके, ज्योमेट्री में जाएँ, ज्योमेट्री के अंदर आपने पास सबसे पहले सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड आपके पास बॉडी आ गई है। सॉलिड में जाने के बाद आपने, सॉलिड में जाने के बाद आपने यहाँ पे सॉलिड का मतलब है ये एक पूरी ज्योमेट्री। अगर और भी असम्बलीड होती है ज्योमेट्री तो यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही होती हैं, आपने इसका नाम सॉलिड दिया हुआ है। असाइनमेंट में आपको स्ट्रक्चर स्टील नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप अपना मटेरियल असाइन करते हो। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर स्टील है। अगर यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम अलॉय ऐड किया था, एल्यूमिनियम अलॉय शो हो रहा है, आप एल्यूमिनियम अलॉय करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी, अदरवाइज स्ट्रक्चर स्टील ही यूज़ होगा। आप स्ट्रक्चर स्टील को ख़त्म भी कर सकते हैं, न्यू मटेरियल वहाँ पे जाके ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपने अपडेट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको,
तब जाके यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन हमने पहले से ऐड कर दिया था एल्यूमिनियम अलॉय तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट काम है मैश, क्योंकि मैश अच्छी होगी तो आपका एनालिसिस बेहतर होगा। और मैश से पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका नाम दे दें, इनलेट है, आउटलेट है, वॉल है, तो उसके लिए काम ये है कि फॉर एग्जांपल ये फेस सिलेक्शन है, आप इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल फिक्स पोर्ट। तो आप यहाँ पे जाके कह देते हैं क्रिएट नेम सिलेक्शन और यहाँ पे उसका नाम दे दें तो वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में हम इतना नहीं देते, हम बेसिकली सीवी एनालिसिस नहीं कर रहे, उस केस में हमें ज़रूरत होती है। अब आ जाए मैश में। मैश में क्या होता है कि एनसिस जो है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक मैश जनरेट कर देता है, आप जब इंसर्ट करके बल्कि आप अपडेट करेंगे ना तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैश जनरेट हो जाएगा। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट एक मैश जनरेट हो गया आपके पास, इसको मैं जूम टू फिट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक मैश जनरेट हो गया और अब इसकी आप वो भी देख सकते हैं डिस्प्ले स्टेटस में जाके, स्टाइल में जाके एलिमेंट क्वालिटी, एलिमेंट क्वालिटी आप देख सकते हैं मैक्सिमम से मिनिमम है। मिनिमम जो है वो 0.6 है, इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, वो भी इन एलिमेंट्स में, ठीक है, इनमें बिल्कुल ठीक है एलिमेंट, ये मैश थोड़ी बेहतर है। आप स्टैटिस्टिक्स में भी जाके बल्कि इसको आप जब करेंगे बॉडी कलर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको नोड्स बताएगा, मैश मैट्रिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो एलिमेंट क्वालिटी भी आपको बताएगा, विच इज़ ठीक है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन आप चाहते हैं इसको और बेहतर करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स होंगे, तो आप चाहते हो थोड़ी फाइन मैश हो, थोड़ी मीडियम मैश हो, तो आप यहाँ पे मैश में जाएं। मैश में होता है साइजिंग, ठीक है, साइजिंग को करें तो यहाँ पे कोर्स आ रहा है, कोर्स की जगह आप कर दें मीडियम, ठीक है, अभी मीडियम करें। मैं इसके ऊपर डिटेल रेक्चर भी बताऊँगा, मीडियम कर लें। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एलिमेंट साइज डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे रेलेवेंस साइज़ जो है वो मीडियम कर दिया। अब अपडेट कर दें मैश को, अब मैश को अपडेट करें, अब देखें मैश काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, अब देखें क्वालिटी एलिमेंट्स बहुत कम हो गए, बैड क्वालिटी एलिमेंट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बल्कि ये इसको हटाना पड़ेगा, ये अब बैड क्वालिटी एलिमेंट्स बहुत कम हो गए, इधर हो गए और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इधर काफ़ी बैड क्वालिटी एलिमेंट्स नहीं है, आप देख सकते हैं इनर में भी, आउटर में काफ़ी गुड क्वालिटी एलिमेंट्स हैं। तो आपने क्वालिटी को देखना है, मैश की शक्ल में नहीं देखना कि मैश की शक्ल कैसी है, ये वो आपने बस देखना है क्वालिटी बेहतर हो इस मैश की। ठीक है, काफ़ी बेहतर है क्वालिटी, ज़्यादा आपको फाइन और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम सिंपल एनालिसिस देखते हैं। अब आपने एनालिसिस में जाना है तो यहाँ पर आप जाएंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर में। मैश में अंदर काफ़ी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, मैश के अंदर मैश कंट्रोल्स में मैथड है, डिफरेंट तरह के मेथड है, साइजिंग है, साइजिंग के अंदर आप एक ख़ास फेस सेलेक्ट करके इधर साइजिंग करना चाहते हैं, सिर्फ इधर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट साइजिंग है, रिफाइनमेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिंपल एक जनरल स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंडीशन है, क्या आपके पास स्पोर्ट क्या होना चाहिए, लोड क्या होना चाहिए, लोड्स कैसे होने चाहिए, वो चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो स्पोर्ट है वो फिक्स स्पोर्ट है इस जगह पे, ठीक है, तो अगेन फेस सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिक्स स्पोर्ट है, फिक्स स्पोर्ट होगी सेलेक्ट। अब मैं कहता हूँ कि जो दूसरी जगह है यहाँ पे, ओके, जो दूसरी जगह है आपके पास, इसमें आपके पास फिक्स पोर्ट है, जो दूसरी जगह है आपके पास ये वाली, ठीक है, इसमें आप कहते हैं कि इसमें आपके पास फोर्स लग रही है इस जगह पे, ठीक है, इस एंड पे, तो फोर्स के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो आप जाते हो यहाँ पे लोड्स, लोड्स में आपके पास होते हैं डिफरेंट तरह के प्रेशर, फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, भी हम फोर्स की बात करें। फोर्स के अंदर आप अगेन इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, इस फेस अप्लाई, और फोर्स आपके पास वेक्टर के फॉर्म में भी हो सकती है, कंपोनेंट के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2000 न्यूटन, ठीक है, अब 2000 न्यूटन भाई की तरफ लग रही है, टेंशन में, और आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें तो डायरेक्शन देखो, कंप्रेशन में भी हो सकती है, टेंशन में भी हो सकती है, अभी मैं टेंशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर की जगह आप कंपोनेंट पर भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट्स में करें तो ये 2000 न्यूटन ये कॉम्पोनेंट्स में होगी,
अगर आपने इसको कंप्रेसिव करना है तो माइनस कर लें, ठीक है, कंप्रेस के केस में। ये आपके पास फिक्स पोर्ट होगी, ठीक है, तो फिक्स पोर्ट आपके पास ये वाली होगी, इसने बता दिया, फिक्स पोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो इस तरफ आपके पास ये फोर्स होगी। अब आपके पास क्या करना है, आपने सॉल्यूशन में जाना है। ये यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बाउंड्री कंडीशन, स्टैटिक स्ट्रक्चर में क्या है, बाउंड्री कंडीशन आपने डिफाइन कर। अब आपने जाना है सॉल्यूशन में आपने क्या चीज़ देखनी है, स्ट्रेस, एनर्जी, डैमेज, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन। हम कहते हैं हम स्ट्रेस देखते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेस देखते हैं कि स्ट्रेस कितनी है, डिफॉर्मेशन देखते हैं कि डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, अभी तक हम इनको देखते हैं। और इन दोनों को क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, एनसेस बाकी को सॉल्व करेगा चीज़ें। उसके बाद फिर हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं इसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है, शेप इसकी चेंज हो गई। इक्विवेलेंट स्ट्रेस में जाते हैं सबसे पहले। इक्विवेलेंट स्ट्रेस में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो किधर लग रही है, इसमें जो आपके पास एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बन रहा था वो इधर लग रही है, लेकिन ये बहुत एग्जैजरेटेड बताया हुआ है कि इसकी बॉडी ही डिफॉर्म हो गई है, क्योंकि एनसिस अपनी तरफ से ऑटो स्केल कर रहे थे आपके रिजल्ट्स को इंटू 10^8 कर दिया। अब जो मेरे रिजल्ट आए ना 101.42 मैक्सिमम के आपके पास पास्कल्स में, यूनिट आप देख सकते हैं पास्कल, इसको अब इंटू 10^8 कर दिए, इसको तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो डिफॉर्म तो करेगी बॉडी इतने ज़्यादा लोड, लेकिन हालांकि इतना ज़्यादा लोड नहीं है। आप जब एनिमेशन में देखने जब लोड लग रहा है, इसमें लोड अप्लाई हो रहा है तो ये डिफॉर्म करी, हालांकि इतना हमने लोड नहीं है दिया नहीं था, 2000 न्यूटन था, तो असल में ये ऑटो स्केल हुआ है। यहाँ पे आप जाके ट्रू स्केल करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है, बस कलर ही इसके बदल गए, इसके कलर चेंज होंगे इसके, अदरवाइज़ इसमें कोई इतनी चेंजिंग नहीं आएगी। अब टोटल डिफॉर्मेशन में जाते हैं, टोटल डिफॉर्मेशन में भी अगेन ट्रू स्केल, अगर आप इसको इसमें करते हैं तो आप देख सकते हैं डिफॉर्म हो रही है, बॉडी डिफॉर्म हो रही है ना, लेकिन आप ट्रू स्केल में ही रखें क्योंकि असल में तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, असल में सिर्फ कलर चेंज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखें कि डिफॉर्मेशन यहाँ पे ज़ीरो है, क्यों, यहाँ पे फिक्स पोर्ट थी, कोई चीज़ डिफॉर्म होगी नहीं, सारा लोड जो है इधर लग रहा था, ठीक है, लोड आपके पास इस जगह में लग रहा था, इस जगह में लोड लग रहा था, इस वजह से यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, लेकिन वो भी बहुत कम इंटू 10^-9, ठीक है, वो भी बहुत कम है। और यहाँ पे आपके पास ज़ीरो डिफॉर्मेशन है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे फिक्स स्पॉट है, इसलिए यहाँ पे आपके पास कोई डिफॉर्मेशन नहीं थी। ये मॉडलिंग था, ये आपके पास एनालिसिस था, आपको ये चीज़ें पढ़ समझ आनी चाहिए, ये ना हो कि आप सिर्फ कलर्स भी देख रहे हैं, समझ आनी चाहिए ऑटो स्केल टू स्केल क्या है, ये चीज़ें आपने देखनी है, तो इसको आपने टू स्केल में रखना है। ये था सिंपल एनालिसिस एक सिंपल बॉडी का। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डेल एनालिसिस करेंगे। अब पैरामीटर के बारे में क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट स्ट्रेस में आप जाएं, इसके अंदर आपने इसको भी पैरामीटर डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट्स है ना, ये रिजल्ट्स पैरामीटर है। टोटल डिफॉर्मेशन में भी जाएं, इसको भी पैरामीटर डिफाइन करें क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब आप बेशक मिनिमाइज़ कर दें, सेव कर दें प्रोजेक्ट को। अब आप देख सकते हैं पैरामीटर जो है वो इधर डिफाइंड हुए हैं, और ये 40 इसको आप मैसा कर लो, तो 40, 25, और इसके लिए आपके पास इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ मिनिमम इतनी आई है, इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ मैक्सिमम इतनी आई है, टोटल डिफॉर्मेशन ज़ीरो है, मिनिमम मैक्सिमम इतनी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो लेंथ है पहले 40 मीटर थी, मैं कहता हूँ 60 मीटर हो जाए, बाकी सारी चीज़ें सेम है, उस केस में आपके पास इक्विवेलेंट स्ट्रेस क्या होगी, इक्विवेलेंट स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी। अब मुझे बार बार ज्योमेट्री चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपडेट ऑल डिज़ाइन पॉइंट्स, ठीक है, रिटेन कर देता हूँ। रिटेन का मतलब ये है कि अलग से वर्क फाइल बना लेगा, वर्क स्पेस बना लेगा, अपडेट ऑल डिज़ाइन पॉइंट्स, अपडेटिंग ऑल डिज़ाइन पॉइंट्स सम ओपन एडिटर्स मे क्लोज ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, डू वी वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस। अब ये बिजी, और अब ये क्या करेगा, ज्योमेट्री के अंदर चेंज करेगा। आप देख सकते हैं अपडेटिंग, और यहाँ पे वो लिखेगा कि ज्योमेट्री के अंदर अब चेंज हो रही है, देखिए ज्योमेट्री कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जॉइंट वन। अब ये सारे एनालिसिस खुद होंगे और खुद ही रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो जब तक रिजल्ट आते हैं तो हम इसको देखते हैं। ये आपने वेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसने खुद ही बता दिया आपको
2.5 है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम 101, मैक्सिमम फ़र्क नहीं आया, मिनिमम में फ़र्क नहीं आया, डेफोमेशन में थोड़ा सा फ़र्क आया, इतना नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्वाइट आपके पास ये अच्छा टूल है पैरामीटर का। ना बार बार आपने ज्योमेट्री चेंज करनी है, ना बार बार आप मैश को भी पैरामीटर बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैश आया था ना, मैश में भी आप पैरामीटर का बॉक्स बनाओगे, उसको टिक करेंगे तो मैश भी पैरामीटर बन जाएगा। मैश साइज चेंज करने से, मैश का साइज चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है? तो एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है या पे आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो ये पैरामीटर सेट का एक इम्पॉर्टेंट टूल था जो आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अगर नहीं आया तो मुझे आप लाजमी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में फिर से आपको समझा दूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह के यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रिंट प्रीव्यू बना लेता है, ठीक है? जो भी आपके पास ज्योमेट्री खुली हुई है ना, अब ये खुला हुआ है आपके पास, इसका प्रिंट प्रीव्यू बना लेगा, ठीक है? एक तरह का प्रीव्यू बना लेगा कि एक्विलेंट स्ट्रेस ऐसी है। रिपोर्ट प्रीव्यू में ये पूरी रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, सॉल्यूशन से लेके जो जो है, कि आपके पास ज्योमेट्री ऐसी थी, ये इसकी लेंथ थी, ये इसके पास यूनिट्स थे, ठीक है, ये इसकी मैश है, मैश की साइज़ ऐसा है, अच्छा, उसके बाद फिर ये उसके पास मॉडल, ये फोर्स लग रही है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको ये बता देता है। और सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन में भी आप जाते हैं तो ये सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन बता देता है सारी, की सॉल्यूशन को कैसे किया है इसने, नोड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी एक जेनेरिक वे में इसने चीज़ें बताई हैं। वर्कशीट है, वर्कशीट न्यू कॉमेंट्स हैं, न्यू फिगर है, काफ़ी आपके पास चीज़ें हैं इसके अंदर, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये आपके पास इक्विलेंट स्ट्रेस है, तो अगर आप कट प्लेन देखना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल यहाँ से कट प्लेन देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ़र्क क्या पड़ रहा है, इसको आप बेशक रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोब भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर कितनी स्ट्रेस है, इधर कितनी स्ट्रेस है, आप इसको यहाँ पे प्रोब में करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम बताएगा मैक्सिमम कितनी है, इसको करेंगे मिनिमम को क्लिक करेगा, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छे टूल है। प्रोब में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है इधर कितनी स्ट्रेस है, ठीक है, इधर कितनी स्ट्रेस है, इधर कितनी स्ट्रेस है, ये मुझे बताता जाएगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये आपने याद रखने। बाकी इसके अंदर इतना आपको शो एरर्स भी हैं, अगर आपको एरर आ जाए तो वो देख सकते हैं। सॉल्व करते इंपॉर्टेंट चीज़ रखने हैं, बाकी मैकेनिकल विजिट की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके सारे काम ऐसे इधर से हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने देखना है मैश को इम्पोर्टेंट है, मैश जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैश के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसकी मैश ठीक थी, आपने देखी है, क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी, तो इसके मैश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैसे इसका डिटेल एनालिसिस करना है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं मैश के ऊपर बताऊंगा मैश के ऊपर क्या करना है, और इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करते रहें तो सब ठीक होगा। ओके, अल्लाह।